हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा और आज है विश्वकर्मा पूजा और आज जितिया का नहाय खाय भी है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिलाई मशीन का भी पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पे ना मैं अरवी काट रही थी जिससे हाथ ना काफ़ी खुजली होने लगी, तो गर्म पानी से मैं धो रही हूँ। गर्म पानी से धोने से जो ना वो जो खुजली होती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे बना रही हूँ खाना और आज जितिया का नहाय खाय है तो बहुत 5-6-7 आइटम बनती है, मतलब जितना मन करे आप उतना सब्जी वैरायटी बना सकते हो। तो लेकिन जो मेन है जितिया का वो है मड़ुआ का आटा का रोटी और नेनुआ का साग और तोरई का सब्जी। तो यही सब जितिया के नहाय खाय के दिन भी बनती है और पारण के दिन भी बनती है फ्रेंड्स। तो आपका मन चाहे जितना भी आप सब्जी बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10-15-20 सब्जी प्रकार का बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इसका मेन है वो मड़ुआ का आटा का रोटी और नोनी का साग जो बोलते हैं नेनुआ का साग, वो ना नहीं मिला था मुझे। मैं मार्केट में गई थी देखने पर नहीं मिला नेनुआ का साग, तो मैं नहीं लाई हूँ। हर साल तो मैं बनाती थी और मड़ुआ का आटा का रोटी भी बनाती थी, लेकिन इस साल मैं नहीं बनाई हूँ। क्या होता ना, कोई खाते पीते नहीं है और थोड़ा सा तो दुकान में देंगे नहीं 10-5 रुपया का। मैं नहीं लाई, छोड़ दी। और बस बैंगन का यहाँ भाजी तलूँगी, भजिया, और प्याज की भजिया तलूँगी और अरवी की सब्जी बनाई हूँ, मिक्स सब्जी बनाई हूँ। और तोरई का सब्जी मिक्स कर दी हूँ क्योंकि अभी जितिया के टाइम में ना इतना महंगी देती है तोरई का सब्जी, बहुत महंगी देती है तोरई। तो देखिए यहाँ पे अरवी की सब्जी हमारी बन गई है, खाना जो हमारी सारा बन के रेडी हो गया है, बस अरवी की सब्जी को ही हम भून रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैं पत्ता लेने आई हूँ, तोरई का पत्ता हम लगाए थे अपने बाड़ी में, अभी तो उसमें तोरई नहीं फला है, बस फूल दे रहा है उसमें। तो पत्ता हम ले आते हैं, पत्ता का काम है। और यहाँ पे ना हमारे बाड़ी में ना मूंग हुआ है, देखिए मूंग का झाड़। तो देखिए मूंग को हम तोड़ के आप लोग को दिखाते हैं कि 3-4 मूंग जो है ना पक चुके थे, उसमें अच्छी दाना भी थी, तो उसको हम लेके आ जाते हैं। मूंग भिगोते हैं ना तो जब उसको छाकते हैं धोते हैं तो 2-4 मूंग गिर जाती है, उसी से जाके हुआ है, तो उसको भी हम ले आते हैं। तो देखिए सब्जी जो है ना हमारी भुंजिया बना रही हूँ, सूखी सब्जी, पता नहीं खुजली होगी कि क्या होगी, खाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम पत्ता को हम धो लेते हैं और उसको रख देते हैं, फिर अभी हम पूजा करेंगे। आज ना जितिया के नहाय खाय के दिन पहले अपना जो देवी देवता है सबको खाना देना पड़ता है, चील और सियार को। तो देखिए हम साफ़ सफाई भी कर लिए हैं किचन का और अब हम खाना निकालेंगे। काफ़ी टाइम जो है ना हो गई थी, और ऐसे तो रोज़ हम नाश्ता भी करते हैं, लेकिन आज नहाय खाय था जितिया का तो हम नाश्ता भी नहीं किए, पानी भी नहीं पीना पड़ता है सुबह उठ करके, क्योंकि सूरज भगवान को जल देना पड़ता है, उसके बाद ही हम पानी पिएंगे चाय पिएंगे। तो इसीलिए आज पानी भी नहीं पिए हैं, क्योंकि पहले पूजा करेंगे उसके बाद ही हम। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है नीतू की दुनिया में, और आज है जितिया का नहाय खाय। तो फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पे खाना ले लिए हैं और चलिए अभी पूजा कर लेते हैं। और बने रहिए आप मेरे वीडियो में, जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कैसे करते हैं जितिया का व्रत ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ हम तोरे का पत्ता ले लिए हैं और इस पर हम खाना देंगे। तो पहले चील और सियार को खाना देना पड़ता है, तो चील को और सियार को हम खाना निकाल लेते हैं। और चूल्हा को जिस पे हम खाना बनाए हैं ना तो उसको भी पूजा करना पड़ता है आज के दिन। तो आज के हम रोज़ ही पूजा हमें करना चाहिए चूल्हा का जिस पे हम खाना बनाते हैं, चाहे मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं आप खाना तो उस पे भी पहले खाना देना चाहिए, और गैस पे भी आप खाना बना रहे हैं तो उस पे भी खाना को थोड़ा सा देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम गैस को चूल्हा को पूजा कर दी हूँ और चील और सियार को भी हम खाना दे के आ जाते हैं।
तो फ्रेंड्स हम चील और सियार को खाना दे दिए हैं, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए और बताइए कि मेरा खाना जो है जितिया का खाना कैसा बना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम हंस रहे थे, मेरे हस्बैंड जी मुझे हंसा रहे थे। तो फ्रेंड्स हम पूजा कर लिए हैं और अब जाते हैं खाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और बताइएगा आप लोग को कैसी लगी मेरी ये वीडियो। तो मिलते हैं बाद में, बाय।